आज आपकी मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं एक खातून ठेकेदार से। डॉल हाउस बनाते बनाते आपने ये बड़े बड़े घर बनाने शुरू करती हैं। ख़वातीन हमने ज़्यादातर देखे हैं कि बड़े वो नाजुक से काम करती नज़र आती हैं सिलाई कढ़ाई के, लेकिन ये तो बड़ा हार्ड काम है, तो आपने ये क्यों चूज़ किया? ये आपने सिर्फ बाय प्रोफेशन चूज़ किया है या स्टडी भी इसी से कोई मिलती जुलती है? जो हमारे मजदूर भाई होते हैं उनको थोड़ा सा टैकल करना मुश्किल काम होता है, वो ये कहते हैं कि जब तक ठेकेदार सर पे हो तब तक काम नहीं करता, तो क्या आपका भी यहाँ पर होना ज़रूरी होता है? एक टीम मखसूस होती है हर ठेकेदार की कि यही टीम जो है हमारे साथ काम करेगी, तो क्या आपकी भी टीम मखसूस है? तो जब आप टीम बना रही थी तब क्या मुश्किल का सामना करना पड़ा? मतलब लोग आसानी से जुड़ गए थे, उन्होंने कहा कि ठेकेदार कौन है, पता चलता था आगे ठेकेदार नहीं है। आपका एक छोटा सा टेस्ट ले लें कंस्ट्रक्शन के हवाले से, क्योंकि कई लोग ये ना समझे कि हमने ऐसे किसी को खड़ा करके तो हमने ये बता दिया कि खातून ठेकेदार है। ये जो दीवार का साइज़ रखा जाता है कमरे के अंदर वो क्या होता है? मतलब अमूमी तौर पे जो एक मेन वॉल होती है एक जो अंदर वाली वॉल होती है उनके फ़र्क होता है, तो क्या साइज़ क्या चल रहा है? इस मसाले की बात करें तो इसका एक कम्बिनेशन होता है 2-4, 3-4 इस तरह करके, तो वो क्या सूटेबल कौन सा है? दीवार में अक्सर मैंने देखा है कि जो ऊपर वाली दीवार होती है ना उसमें दरार आ जाती है ज़्यादातर, उसकी क्या वजूहत होती हैं? अगर उसको इग्नोर करना हो तो वो क्या तरीक़ेकार क्या हो? जिस तरह से ये लगाई गई हैं तो क्या ये बेहतरीन फॉर्मेशन है आज के हालात में? मतलब हम सितंबर 2023 में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जो आज के हालात हैं उसमें एक नॉर्मल एक मिडिल क्लास के लिए 5 मरले का घर जो है वो कितने में बनाया जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक डिजिटल पे आप देख रहे हैं फैजान चौधरी को। घर बनाते हुए ठेकेदार तो आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन आज आपकी मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं एक खातून ठेकेदार से। किस तरह से काम कर रहे हैं और ये शौक इनको कैसे पड़ा इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। ख़वातीन हमने ज़्यादातर देखे हैं कि बड़े वो नाजुक से काम करती नज़र आती हैं सिलाई कढ़ाई के, लेकिन ये तो बड़ा हार्ड काम है, तो आपने ये क्यों चूज़ किया? ये क्यों चूज़ किया? क्योंकि मेरी हॉबी थी ये चूज़ करना। अच्छा। और मुझे मज़ा आता था जब मैं ये काम होते हुए देखती थी। थोड़ा सा शुरू में आया ऑफेंस के भाई खातून हो के इस तरह के काम आप कैसे कर सकती हैं, धूप है, अब ये देखें पसीना किस तरह बिल्कुल आ रहा है और हार्ड काम है, नेचर भी हार्ड है, रंग भी ख़राब होता है, स्किन भी आपकी ख़राब होती है, लेकिन होता है ना शौक होता है किसी चीज़ का, रेत का, मिट्टी का, ईंटों का, कोई चीज़ बनाने का, तो बस उसी चक्कर में आ गई और जब देखा कि ये काम तो और भी मज़े का है। जब आप एक घर बनाते हैं और घर बना के उसको बना हुआ सामने देखते हैं, उसमें लोग रह रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं, तो वो एक फीलिंग ही अलग होती है, तो बस फिर हमने कहा हम भी क्यों पीछे हटें। तो ये कब से स्टार्ट किया आपने और स्टार्ट में क्या मुश्किलात पेश आई, वो हमारे नाज़रीन से शेयर करें, क्योंकि अमूमी तौर पे एक तो ख़वातीन को वैसे ही काम नहीं करने दिया जाता और अगर वो करें तो उनको बहुत सी हर्डल्स फेस करनी पड़ती हैं, उन हर्डल्स से कैसे निकला जाए? ये आपकी स्टोरी से मोटिवेट होंगे बहुत से लोग देख के। हर्डल्स आई, घर वालों ने तो बहुत सपोर्ट किया, ये नहीं है घर वालों ने नहीं किया, इवन के इन लॉज ने भी बड़ा सपोर्ट किया मुझे। हाँ, माशरे की तरफ से थोड़े से ऑफेंस थे क्योंकि जिस तबके के साथ आप काम कर रहे होते हैं वो थोड़ा सा आपको नहीं वो करने देता, ये नहीं होता, फिर आपको अपना आप मनवाना होता है अपने क्लाइंट के साथ और इन चीज़ें, तो उस टाइम पे मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब इतना हो गया है कि अब खुद कॉल्स आती हैं। अच्छा। और जिन लोगों का काम लोग देख के जाते हैं और करते हैं तो पूछते हैं आपने किससे बनवाया है, तो हमें दोबारा कॉल्स आती हैं कि जी आएँ इधर हमारे लिए भी काम करें, तो एक अच्छी फीलिंग आती है आपको, तो बस इसी तरह अब अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मैम, ये आपने सिर्फ बाय प्रोफेशन चूज़ किया है या स्टडी भी इसी से कोई मिलती जुलती है? स्टडी मेरी बिल्कुल डिफरेंट थी। स्टडी मेरी थी फैशन डिज़ाइनिंग। अच्छा। क्योंकि मुझे कलर्स का और स्कल्पचर बनाने का और इस तरह की चीज़ों का बहुत शौक हुआ करता था, लेकिन फिर हुआ ये कि थोड़ा जिसको कलर्स का और ड्राइंग का शौक होता है उसको इंटीरियर का भी पता होता है, उसको सेंस होती है कलर्स की और ये वो, फिर मैंने जब देखा, क्योंकि शुरू में आपको अपनी चॉइस का खुद भी नहीं पता होता, लेकिन फिर जब मुझे ऐसा ऐसा अंदाज़ा हुआ कि नहीं मेरा शौक इस साइड पे ज़्यादा है, तो फिर मैंने डिफरेंट कोर्सेज किए इंटीरियर की तरफ, और जब मैं इंटीरियर में गई तो मुझे ये पता चला कि ये भी एक लाइन है, कंस्ट्रक्शन भी ज़रूरी है, तो इस वजह से फिर मैं इसको भी साथ लेके चली, और अब ये हो गया है कि अब मेरे लिए ज़्यादा आसान हो गया है, जो काम मैंने बाद में करके दिखाना होता है उसको मैं पहले से ही वैसे ही लेके चल रही होती हूँ, तो इसलिए अब मेरी दो लाइंस इकट्ठी चल रही हैं, कंस्ट्रक्शन की भी और इंटीरियर डिजाइनिंग। जी बिल्कुल। तो डॉल हाउस बनाते बनाते आपने ये बड़े बड़े घर बनाने शुरू करते हैं, आज एक घर साथ साथ विजिट करेंगे, थोड़ा सा दिखाएंगे, ये अभी यहाँ पे काम चल रहा है, तो ये क्या साइट है थोड़ा सा इस बारे में बताएं। ये एक घर बन रहा है 10 मरले का और इस वक्त हम इसकी 3री मंजिल पे खड़े हुए हैं। ठीक है। अभी ये इस साइट पे जहाँ आप दिखा रहे
रहे हैं ये इसका फ्रंट है और अभी ये ममटी बना रहे हैं यहाँ पे ऊपर तीसरे मंजिल की। ठीक है, तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी जिस तरह से भी, जो भी हमने नक्शा पास करवाया और जो उनकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से फिर चीज़ें हो रही हैं। अभी ये मजदूरों, जो हमारे मजदूर भाई होते हैं, उनको थोड़ा सा टैकल करना मुश्किल काम होता है। वो ये कहते हैं कि जब तक ठेकेदार सर पे हो तब तक काम नहीं करता, तो क्या आपका भी यहाँ पर होना ज़रूरी होता है? नहीं, एक तो जो मेरे साथ सुपरवाइज़र वगैरह हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो संभाल लेते हैं चीज़ें। बहुत कम ऐसी चीज़ें होती हैं जब जहाँ पे कोई डिसीजन लेना होता है तो मेरे तक बात पहुँचती है, वरना ये होता है जितना मैं उनको बता के चली जाती हूँ वो सारा काम हो रहा होता है। दूसरी बात ये है कि इनके साथ टैकल करना, हाँ शुरू में प्रॉब्लम होती थी लेकिन अभी नहीं होती। आप यहाँ पर किसी से बात करके देखें या किसी को करके, जिससे भी बात करके देखेंगे, हर बंदा ना इज्जत मांगता है। आप इनको इज्जत देंगे वो भी आपको इज्जत देंगे, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रॉब्लम मेरे साथ बिल्कुल नहीं है। और एक टीम मखसूस होती है हर ठेकेदार की कि यही टीम जो है हमारे साथ काम करेगी, तो क्या आपकी भी टीम मखसूस है? बिल्कुल मखसूस है, लोग आते जाते रहते हैं, ये नहीं है कि नहीं आते, लेकिन जो पहले से कुछ लोग मेरे पहले दिन से साथ चल रहे हैं माशाल्लाह, उनको काफ़ी अरसा हो गया मेरे साथ, चार चार पाँच पाँच साल भी किसी को साथ हो गया है, और उनको मेरा पता है मुझे उनका पता है, तो इस वजह से ना टीम बहुत ज़रूरी होती है। नए बंदे को आजमाने से बेहतर ये होता है कि आप पुरानी टीम को लेकर चलें। तो जब आप टीम बना रही थी तब क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मतलब लोग आसानी से जुड़ गए थे, उन्होंने कहा कि ठेकेदार कौन है, पता चलता था आगे ठेकेदार नहीं है? नहीं, टीम इतनी आसानी से नहीं बनी, टीम बड़ी मुश्किल से बनी। हर चीज़ के जैसे सुपरवाइज़र हैं तो वो काफ़ी चेंज हुए, कुछ मेरा मजाज नहीं मिलता था, कुछ उनका तरीकाकार मुझे पसंद नहीं आता था, तो इसलिए काफ़ी चीज़ें चेंज होती रही। और आपको थोड़ा शायद अंदाज़ा हो कि जब घर बन रहा होता है तो खाली घर बन नहीं रहा होता, उसमें बहुत चीज़ें होती है, इलेक्ट्रिशियन होती है, प्लम्बिंग होती है, इस तरह। तो मैंने मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कामों के लिए रखे हुए हैं। अगर इलेक्ट्रिशियन है तो मेरे पास एक नहीं है, चार पांच लोग हैं मेरे पास जिनको मुख्तलिफ, हमने मुख्तलिफ साइट्स पे लगाना भी होता है, फिर इस तरह से भी चलना होता है कि किसको क्या काम आता है। बहुत सारे ऐसे हैं जो हल्का फुल्का काम कर लेते हैं और बहुत सारे हैं जो अच्छा खासा बड़ा काम भी कर लेते हैं। आपका एक छोटा सा टेस्ट ले लें कंस्ट्रक्शन के हवाले से, क्योंकि कई लोग ये ना समझे कि हमने ऐसे किसी को खड़ा करके तो हमने ये बता दिया कि खतून ठेकेदार है। ये जो दीवार का साइज़ रखा जाता है कमरे के अंदर वो क्या होता है? मतलब अमूमी तौर पे जो एक मेन वॉल होती है एक जो अंदर वाली वॉल होती है उनके फ़र्क होता है, तो क्या साइज़ क्या चल रहा है? पुराने ज़माने में ना तकरीबन 13 इंच की दीवार बनाई जाती थी, वो बड़ी इफ़ेक्टिव भी होती थी वेदर के लिहाज से। उसमें ये होता था कि हवा और ठंड गर्म का जो है ना एक ख़ास तरीका होता है। अब हमने क्या कर दिया है, मतलब कि जो भी एक लॉ चल रहा है, एक तो खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो अंदर वाली वॉल जो है ना वो 9 इंच की रखी जाती है। इससे पतली रखेंगे जारी बात है फिर वही नाकस चीज़ होती है, तो अंदर वाली वॉल को तकरीबन हम 9 इंच रखते हैं थ्रू आउट, और यही एक वो लॉ चलता है। बाकी आपके उस पर डिपेंड करता है, क्लाइंट पे, अगर वो पैसा ज़्यादा लगाना चाह रहा है तो हम उसको 13 पे या 12 वगैरह पे भी ले जाते हैं, वो कोई इशू नहीं होता। अच्छा, अगर हम वॉल सिटी की बात करें ना तो वहाँ अभी भी पुराने घरों में 13 इंच की ही वॉल यूज़ की गई है, और कहा यह जाता था जो 13 इंच की वॉल होती है वो मजबूती के लिहाज से बड़ी फ़ायदेमंद होती है, तो क्या आपको नहीं लगता कि जब हम 9 इंच पे शिफ्ट हुए हैं तो कोई फ़र्क पड़ेगा? थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना टेक्निकली चीज़ें चेंज हो जाती हैं, वो जो 13 इंच की दीवार थी वो आज भी कायम है, वो छतें ऊंची रखी जाती थी हवा के लिहाज से, ठंडे में वो गर्म रहती हैं और गर्म में वो ठंडी रहती हैं। अब ये हो गया, उस टाइम पे एसी नहीं होते थे, अब जो हमारी 9 इंच की दीवार है ना वो मजबूत तो है लेकिन उसमें ना वेदर कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से वो तो अब ज़रूरी भी नहीं, हम हीटर लगा लेते हैं, हम एसी लगा लेते हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती। तो टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज होती रहती है टाइम वाइज। और अगर हम इस मसाले की बात करें तो इसका एक कम्बिनेशन होता है 2-4, 3-4 इस तरह करके, तो वो क्या सूटेबल कौन सा है? हम इसमें तकरीबन जो है ना जो अच्छा बेहतर वाला होता है वो 4 का होता है, मतलब कि 3 रेत का और 1 सीमेंट का, वो सबसे। सेकेंडली एक और चीज़ बता दूँ, हमें ये लगता है कि शायद ये चीज़ हमारे लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जब हम प्लस्तर करते हैं ना, और जैसे अभी दीवारें बन रही हैं, जब तक हम इसको प्रॉपर पानी नहीं देंगे, जिसको तराओ कहना कहते हैं वो होता है, अगर हम सुबह शाम इसको तराओ नहीं करेंगे और फिर ये सूखेगा नहीं, मसाला कभी भी अपना आप नहीं पकड़ता। आप जितना मर्जी अच्छा मसाला यूज़ करके आप उसको जल्दी लगा दें, एक दफ़ा उसको तराई करें और फिर छोड़ दें, वो अपना आप छोड़ देगा। क्योंकि हमें एक तरीके ये भी यूज़ किया जाता है, वो शायद जो बोरी होती है उसको गीला करके भी लगा दिया जाता है। हाँ, लेकिन वो जल्दी के काम होते हैं ना, कि जिसको अगर जल्दी चाहिए, लेकिन फिर उसका लॉन्ग टर्म नहीं होता वो। अच्छा, फिर नुकसान आपको होता है, और वो
डिफरेंट चीज़ों के लिहाज से होता है, जैसे आप कोई स्टोर बना रहे हैं, बड़ा स्टोर रूम बना रहे हैं, जैसे स्टोरेज के बड़े बड़े हॉल्स बनते हैं सीमेंट करके, उनको फिर लगाया जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो नमी को अब्सॉर्ब करे ईंट, और साथ जो है वो मसाला रिएक्ट करे तो उसको पक्का करना शुरू कर देती है। मैम दीवार के पास चलेंगे, मेरे कुछ सवाल हैं दीवार के हवाले से। मैं चाह रहा हूँ कि एक तो आपकी स्टोरी भी हमने बताई है कि आप मतलब एक यूनिक काम कह रहे हैं बाकी ख़वातीन से हट के, तो दूसरा मैं ये भी चाहता हूँ कि हमारी वीडियो देख के लोगों को ये भी फ़ायदा हो, जो लोग घर बनवा रहे हैं तो किन चीज़ों का ख्याल रखें। मतलब फॉर एग्जांपल दीवार में अक्सर मैंने देखा है कि जो ऊपर वाली दीवार होती है ना उसमें दरार आ जाती है ज़्यादातर, उसकी क्या वजूहत होती हैं, अगर उसको इग्नोर करना हो तो वो क्या तरीक़ेकार क्या उसका? उसमें ये है कि इग्नोर तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि दरार आने का या क्रैक आने का मतलब ही ये होता है कि वो चीज़ कमज़ोर हो गई है जी। आपका जो घर जब जिस टाइम पे बन रहा होता है, आपको सबसे पहले तो बुनियाद देखनी पड़ती है, सॉइल टेस्ट होता है, फिर उसके बाद उसके हिसाब से आपने बुनियाद डालनी है, आपने DPC कितनी उसमें यूज़ करनी है, आपने सरिया नीचे यूज़ करना है कि नहीं करना। उसके बाद ये होता है कि फिर आपको एक चीज़ कहा जाती है लोड बेयरिंग, आपको वो चेक करना है। आप इतना बड़ा कमरा बना देते हैं और उसके दरमियान में बीमें नहीं डालते, उसका लोड जो है वो प्रॉपर छोटी दीवार पर किसी दीवार पर नहीं है, कमज़ोर दीवार पर है, तो जारी बात है कमज़ोर दीवार ने फिर या तो उस साइड पर निकल जाना है या इस साइड पे निकल जाना है, तो उसमें क्रैक तो आएगा। इसमें ईंट की फॉर्मेशन का भी कोई किरदार होता है, मतलब ये जिस तरह से ये लगाई गई हैं तो क्या ये बेहतरीन फॉर्मेशन है? बेसिकली ज़्यादातर जो है ना वो हमारी यही फॉर्मेशन यूज होती है, लेकिन जिस टाइम पे हम पिलर लगा रहे होते हैं या हम साइडों पे पिलर खड़े करते हैं किसी भी लोड के लिए, उसमें फिर हम खड़ी ईंट यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि खड़ी ईंट के ऊपर जो है ना वो जोर फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से आता है। अच्छा आखिर में हम ये जानना चाहेंगे कि आज के हालात में, मतलब हम सितंबर 2023 में वीडियो रिकॉर्ड कह रहे हैं, तो जो आज के हालात हैं उसमें एक नॉर्मल एक मिडिल क्लास के लिए 5 मरले का घर जो है वो कितने में बनाया जा सकता है? वो डिपेंड करता है नक्शे पे, अगर उनको एक बिल्डिंग एक चाहिए फर्स्ट फ्लोर चाहिए उस पर डिपेंड करता है या 2 फ्लोर पे डिपेंड करता है। लेकिन इस टाइम पे ना हर चीज़ बहुत ही आपे से बाहर हुई भी है, एक तो पेट्रोल की प्राइस जैसे कहते हैं रोज़ाना हो रही है, जिस पे हमें भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि हमारा मटेरियल जो है उसके साथ लिंक करता है, तो फौरी तौर पे जैसे कहते हैं ना चीज़ जंप पे चली जाती है। तो अभी यही है कि जब आप घर शुरू करें तो आप अपना एक बजट, अगर आपने फ़र्ज़ करें सोचा हुआ है कि जी 50 लाख में आपने बनाना है, जो नहीं बनता, एक फ़र्ज़ बता रही हूँ कि 50 लाख में बचाना है, तो आप अपने जहन में रखें कि इसने 25 ऊपर और जाना ही जाना है। और अगर आपने बिल्कुल सादा घर बनाना है तो फिर तो हम इस पर रेकमेंड कर लेते हैं, लेकिन अगर फिर आपको फिनिशिंग चाहिए, जो सबसे मुश्किल चीज़ है, बिल्कुल एक तो उसमें टाइमिंग बहुत ज़्यादा लगती है और फिर जितना ज़्यादा आप गुड़ डालते जाएं उतना मीठा होता जाएगा, तो हम तो यही कहते हैं कि तकरीबन जो 5 मरले वाला घर भी है ना वो करोड़ टप रहा है आजकल कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन कर लें प्लस फिनिशिंग कर लें उसमें इतना हो जाता है, ये भी अभी सिंपल की बात है। चलें बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त का। तो जी नाज़रीन हमने आपकी मुलाकात करवाई है आज एक खातून ठेकेदार से जो कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग के साथ साथ कंस्ट्रक्शन का काम भी कर रही हैं, जो बहुत ही मुश्किल काम है। लोगों को ज़्यादातर आपने देखा होगा कि यहाँ पर ख़वातीन जोन सी हैं वो बहुत ही वो जो नाजुक काम होते हैं सिलाई कढ़ाई वाले वही करती हैं, लेकिन उसके अपोज़िट ये खातून जो हैं वो कंस्ट्रक्शन का काम कर रही हैं, तो लिहाजा ये एक मोटिवेशन भी है। और दूसरा साथ ही साथ हमने आपको इस वीडियो में ये भी बताया कि अगर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है तो किन बातों का ख्याल रखें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।